माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिगार्डिंग, जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ही न्यूज़ में है, राइट। पर लोगों को ये नहीं पता है कि ये क्या क्या है बेसिकली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जिसका नाम है बेसिकली ChatGPT, जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो गाइज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगा कि बेसिकली ChatGPT क्या है और ये कैसे वर्क कर सकता है और कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। क्योंकि इसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जब इंडिया में जब फुली आ जाएगा, अभी तो खैर फुली तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, पर आने वाले टाइम जब ये फुली वर्क करेगा तो सब कुछ चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को टोटली गाइस ये चेंज कर देगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आपकी लाइफ किस प्रकार चेंज होगी, क्योंकि जो यूट्यूब है, जो गूगल है, जो फेसबुक है, जो इंस्टा है, ये सब बंद हो जाएंगे, इनकी सबकी बाट लग जाएगी, इनका कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। तो जब इंडिया में ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, जिसका नाम है ChatGPT। तो बेसिकली ChatGPT होता है क्या, मैं आपको रिव्यू देता हूँ, मैं थोड़ा इसका ब्रीफ आपको बताता हूँ कि ChatGPT बेसिकली एक AI टूल है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे ही वर्क करता है। जैसे आपने रोबोट्स हो गए, जस्ट लाइक जो सॉफ्टवेयर्स हो गए, गूगल है, अपना यूट्यूब है, याहू है, फेसबुक है, इसी प्रकार वर्क करता है, पर इनसे बहुत एडवांस है, राइट। इसके बारे में अभी ये बताया जा रहा है, जो अगर आप इसकी साइट पे जाके सर्च करेंगे गाइस, कि जो इसने विद इन अ फाइव डेज 1 मिलियन यूज़र गेन करे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी एक ऐसा टूल मार्केट में आता है और विद इन अ फाइव डेज 1 मिलियन यूज़र को गेन करता है, कैसे पॉसिबल है। इसका वर्क इतना अच्छा है, इसके फीचर्स इतने बढ़िया हैं और इसकी सर्विस भी इतनी बढ़िया होने वाली है। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम ने विद इन 45 डेज के अंदर 1 मिलियन यूज़र्स गेन करे थे, और यही काम करने को फेसबुक को मोर देन 10 मंथ्स लगा था, राइट। तो आप समझ सकते हो कि उनको इतना लंबा टाइम लगा, राइट, और इसने विद इन 5 डेज वो ही टारगेट अचीव कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है, जो लोग इसको देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, इसके बारे में गाइस जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि वन बाय वन बताऊँगा कि कैसे बेसिकली वर्क करता है, राइट, कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी लाइफ में क्या ये इफ़ेक्ट डालेगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसको लिमिटेशंस वगैरह हैं इसके, राइट। इंडिया में इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जैसे गूगल है, राइट, और भी कुछ कंपनी है, वो इसको क्रिटिसाइज कर रही है, वो कह रहे हैं इंडिया में सफल नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है अगर इंडिया में ये आ जाएगा तो जो उनकी जो शॉप चल रही है ना, जो उनकी दुकान चल रही है, वो बंद हो जाएगी, जो क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो गूगल को बीट कर सके। दुनिया में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो गूगल से पंगा ले सके, गूगल को बीट कर सके। पर अब गूगल का किलर आ गया है, जो गूगल को ख़त्म कर देगा और फेसबुक को ख़त्म कर देगा। तो ऐसा मार्केट में किलर आया हुआ जिसका नाम ChatGPT है, राइट। तो मैं चलता हूँ गाइस अपनी स्क्रीन पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको वन बाय वन बताऊँगा कैसे इसे हम लॉगिन कर सकते हैं, राइट, कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे ये वर्क करता है, राइट, हम आपको वन बाय वन बताएंगे। तो गाइस चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसके बारे में थोड़ी हम और इन्फॉर्मेशन लेते हैं स्लाइड के थ्रू। तो इसमें जो ChatGPT आ गया है, तो बेसिकली इसमें जो ChatGPT जिसकी स्टैंड कहता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, इज अ चैटबॉट लॉन्च बाय OpenAI इन नवंबर 2022, यानी इसी लास्ट ईयर नवंबर 2022 में ये लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था?
ओपन एआई है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया, और इसकी फुल फॉर्म जो है वो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर है। इट इज़ बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ ओपन एआई GPT-3 फैमिली ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड इज फाइन ट्यून्ड इन अप्रोच टू ट्रांसफर लर्निंग विद बोथ सुपरवाइज एंड रीइन्फोर्समेंट लर्निंग टेक्निक्स। यानी ये जो है, ये जो GPT-3 फैमिली उस पर बिल्डअप है ये, तो जो ये वर्क करता है वो सुपरवाइज भी करता है और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग टेक्निक पे भी वर्क करता है। और जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट में दिया गया है, चैट GPT वॉज लॉन्च एज अ प्रोटोटाइप ऑन November 30, 2022 एंड क्विकली गैदर्ड अटेंशन फॉर इट्स डिटेल रिस्पॉन्स एंड आर्टिकुलेट आंसर अक्रॉस मैनी डोमेन ऑफ द नॉलेज। जैसे ये लॉन्च करा गया था तो उसने बहुत ही ज़्यादा क्विकली अटेंशन को गेन किया था रिस्पॉन्स और आर्टिकुलेट आंसर के थ्रू अक्रॉस मैनी डोमेन ऑफ द नॉलेज। इट्स अनइवन फैक्चुअल एक्यूरेसी वॉज आइडेंटिफाइड एज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। इसकी जो ड्रॉबैक है वो जो फैक्चुअल एक्यूरेसी है उसको आइडेंटिफाइड करा गया था एज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक। फॉलोइंग द रिलीज ऑफ चैट GPT OpenAI was launched at $29 billion। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फीचर्स। इसके बेसिकली फीचर्स क्या हैं? फीचर्स में जो दिया गया है यहाँ पर, व्हाइल द कोर फंक्शन ऑफ चैट बॉट इज टू मिमिक ए ह्यूमन कन्वर्सेशनलिस्ट, चैट GPT इज वर्सेटाइल। चैट GPT वर्सेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज the ability to write and debug computer program, to compose music, teleplays, fairy tales and student essay। ये एक versatile है क्योंकि इसके अंदर ऐसी ability है जो write कर सकता है और debug कर सकता है computer programs को, जो music को बता सकता है और teleplays को बता सकता है, जो fairy tales को बता सकता है, और जो student के purpose से बहुत ही important है ऐसे को भी बता सकता है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आपको एक लेटर नहीं लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। आप कुछ भी आपके माइंड में एनीथिंग आता है आप इसके थ्रू राइट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही सटीक, बहुत ही कंसाइज वे में ये आंसर बताता है। और कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो गाइस, वो ये बहुत ही इजी बिना सेकेंड ही सॉल्व करके दे देता है। टू आंसर टेस्ट क्वेश्चन समथिंग डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट एट अ लेवल अबव द एवरेज ह्यूमन टेस्ट टेकर। यानी कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, ये विदिन अ सेकेंड आपका सॉल्व करके दे देता है। टू राइट पोएट्री एंड सॉन्ग्स, ये पोएट्री और सॉन्ग्स को भी लिख सकता है। टू लाइनक्स सिस्टम, टू स्टिमुलेट इन एंटायर चैट रूम, टू प्ले गेम्स लाइक टिकटॉक, ये गेम को भी प्ले कर सकता है। एंड टू सिमुलेट इन ATM, चैट GPT ट्रेनिंग डेटा इंक्लूड्स मेन पेजेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरप्रेट फिनोमेना एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कर सकता है, सच एज बुलेटिन बोर्ड सिस्टम एंड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जितनी भी जो लैंग्वेज वगैरह हैं, पाइथन हो गया और जो मशीन लैंग्वेज है, कि सबको बहुत ही ईजिली कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा इंडिया में ड्रॉबैक भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की जॉब खा जाएगा, क्योंकि जो ये आ रहा है तो जॉब के लोग, जितने भी जो एम्प्लॉय है उनके लिए थोड़ा एक थ्रेटन भी है, थोड़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है उनके लिए, क्योंकि कंपनी इस पर वर्क करेगी तो बहुत सारे लोगों को वो वहाँ पे स्क्रीनिंग कर देगी। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है। और देखते हैं क्या कहता है, इसके फीचर्स सर्विसेज क्या है। चैट GPT वॉज लॉन्च ऑन November 30, 2022 बाई सन फ्रांसिस्को बेस्ड ओपन AI। ये कहाँ पे लॉन्च किया था? अमेरिका का जो सन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया था। द क्रिएटर ऑफ डेल ई टू एंड बिस्पर ने इसे लॉन्च किया था। द सर्विस वॉज लॉन्च एज इनिशियली फ्री टू पब्लिक, जो लॉन्च किया गया स्टार्टिंग में ये फ्री थी विद प्लान टू मोनेटाइज द सर्विस लेटर। स्टार्टिंग में फ्री है अभी, पर आगे प्लान हो सकता है ये मोनेटाइज कर दिया, पेड कर दिया जाए। बाय December 4 ओपन AI एस्टिमेटेड चैट GPT ऑलरेडी हैड ओवर 1 मिलियन यूजर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि विद इन 5 डेज इसने 1 मिलियन यूजर को गेन कर लिया। जो CNBC रोट ऑन December 15, 2022 दैट द सर्विस स्टिल गोज डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम।
द सर्विस वर्क बेस्ड इन इंग्लिश वट इज ऑल्सो एबल टू फंक्शन इन सम अदर लैंग्वेज. ये इंग्लिश में बेस्ट वर्क करती है, इसके अलावा ये अदर लैंग्वेजेज में भी वर्क कर सकता है. टू वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस अनलाइक सम अदर रिसेंट हाई प्रोफाइल एडवांस इन AI. इसमें क्या है, हाई प्रोफाइल एडवांटेजेस हैं. एज ए दिसंबर 2022 देर इज नो साइन ऑफ एन ऑफिशियल पीयर रिव्यूड टेक्निकल पेपर अबाउट ChatGPT. तो बहुत ही बढ़िया है, हर चीज़ को कर सकता है. आप इससे आप मैं थोड़ा फनी बताऊँ, आप लव लेटर लिख सकते हो. जैसे भी आप कोई लव लेटर लिखोगे तो बहुत ही कंसाइज वे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको लिख के दे देगा. इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, अपने जो आपके YouTube के टाइटल्स वगैरह हैं, अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. आपको कोई भी टैग लगाना है आप इजिली डालो, अपने टाइटल डालो, आपके सारे टैग्स आ जाएंगे, आपके सारे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आपका पूरा टाइटल आपको लिख के दे देगा. तो बहुत इजी है ये, आपका बहुत आपका जो चैनल भी बहुत ग्रोथ करेगा. ऐसी एजुकेशन के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कॉलेज वाले इसको नेगेटिव कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कॉलेज में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इसके आने से, क्योंकि हर चीज़ तो इसके अवेलेबल हो जाती है. आप कोई भी टॉपिक डालोगे, ये विदिन अ सेकेंड आपको बहुत अच्छा कंसाइज वे में आंसर दे देगा. तो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. तो गाइज मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे इसको आपको यूज़ करना है. आपको मैं एक डेमो देता हूँ, पूरा अच्छे से कंफर्म करता हूँ कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करते हैं, गूगल ओपन करते हैं. गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ChatGPT डालते हैं. ChatGPT डालने के बाद हमारे पास एक नया इंटरफेस खुल के आता है. पहले वाला जो आता है ChatGPT ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग, इस पर हम क्लिक करेंगे. देन हम एक नए इंटरफेस पे आएंगे, हमारे पास ये वाला इंटरफेस आएगा. तो इस पर ChatGPT ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग, ये आपके पास एक इंटरफेस आ रहा होगा. इसके बाद नीचे हम एक स्क्रॉल करेंगे अपने माउस को और ऑप्शन आ रहा है ट्राई ChatGPT, इस पर क्लिक करेंगे. इस पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस मूव करेगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है. ये आपके पास एक नया इंटरफेस खुल के आएगा. ये तो वेलकम टू ChatGPT, लॉग इन विद द योर ओपन AI अकाउंट टू कंटिन्यू. अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं बनाया है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा. तो मैं आपको साइन अप करके दिखाता हूँ. साइन अप में क्या होता है, आप इस प्रकार साइन अप कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने अकाउंट डालेंगे और रोबोट कहीं कंटिन्यू कर देंगे, या आप ऑलरेडी अपने गूगल अकाउंट से कर सकते हैं, या कंटिन्यू विद द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कर सकते हैं. इसको करने के बाद आपके आगे जो एक पासवर्ड मांगेगा और आपका नाम कंफर्म बाद आपका लॉगिन हो जाएगा. पर ऑलरेडी मैं गाइस लॉगिन कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है साइनअप. तो मैं आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा. जब मैं आप लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा ईमेल आईडी है उसको मैं डालूँगा. यहाँ पर डालने के बाद अपना ईमेल आईडी, फिर इसी प्रकार आपका जब आपको करना आप एक अपना लॉगिन आईडी डालेंगे और अपना लॉगिन करेंगे. लॉगिन करने के बाद रोबोट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे. कंटिन्यू करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा. अब आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना, आपका पासवर्ड क्या वो आप डालेंगे. गाइस जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा. क्योंकि जब सबसे पहले क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया. लॉगिन करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आया और मैंने आपको इसमें यह भी बता दिया कि अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा. तो गाइज मैंने अपने लॉगिन करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आया जो ChatGPT का इंटरफेस खुल गया. समटाइम आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो सर्वर इनका जो है वो बहुत बिजी रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार साइट पर विजिट कर रहे हैं. तो सर्वर कुछ बिजी रहता है, पर उसका ये नहीं कि आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो. थोड़ा आप वेट करोगे तो आपका पेज खुल के आ जाएगा. आप साइन अप करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो और आपका इस प्रकार इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पे.
तो जब ये इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कैपेबिलिटीज आ रही हैं, लिमिटेशंस आ रही हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, राइट, या हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावा स्क्रिप्ट। ऐसी इसके कैपेबिलिटीज हैं। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ खाली हाई लिखूंगा गाइस, ठीक है, और इंटर करूंगा, तो देखो क्या लिख के यहाँ आता है, ये कर रहा है रिकॉग्नाइज, देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। हेलो, हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे, खाली आपने हाय लिखा, ये समझ गया, और इसने यहाँ पे लिख दिया हेलो हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे, राइट। अब जो भी आप कुछ लिखेंगे आपको ये बहुत अच्छे कंसाइज वे में आपको ट्रांसलेट करके दे देगा, और बहुत ही इफेक्टिव टूल है, इफेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये। तो जो कुछ भी आपको यहाँ पर लिखना है किसी के रिगार्डिंग, अगर मैं लेट सपोज एक यहाँ पर लिखता हूँ कि राइट राइट अ लव लेटर फॉर माई गर्लफ्रेंड, आप ये लिखेंगे तो तुरंत देखो क्या करता है, राइट अ लव लेटर फॉर माई गर्लफ्रेंड। मैंने ये लिखा राइट अ लव लेटर फॉर माई गर्लफ्रेंड, ये देखो लिखना इसने स्टार्ट कर दिया, ये लिख रहा है माई डियरेस्ट गर्लफ्रेंड, आपको गर्लफ्रेंड का नाम डालना है, एज आई सिट डाउन टू राइट दिस लेटर टू यू माई हार्ट इज फिल्ड विद लव एंड एडोरेशन फॉर द ब्यूटिफुल पर्सन यू आर। फ्रॉम द मोमेंट आई मीट यू आई नो दैट यू आर समवन स्पेशल एंड माई फीलिंग्स फॉर यू हैव ओनली ग्रोन स्ट्रॉन्गर विद ईच पासिंग डे। कितना अच्छा लिखा है, कितना इम्प्रेसिव लिखा हुआ है। फिर लिखता है यू यू हैव ब्रॉट सो मच जॉय एंड हैप्पीनेस इन टू माई लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू बाई माई साइड, योर लव एंड सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग टू मी एंड आई कांट इमेजिन गोइंग थ्रू लाइफ विदाउट यू। कितना बढ़िया लिखा है, पूरा लिख के दे दिया है, एंड फॉर एवर एंड ऑलवेज योर नेम। तो जो कुछ भी आप लिखेंगे आपको ये तुरंत ही लिख के दे देगा किसी। आप गाइस ये यूट्यूब में कैसे हेल्पफुल है, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन लेना, अभी आप लिखना है कि हाउ हाउ टू राइट माई यूट्यूब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो यहाँ पे। देखो ये लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने लिखा हाउ टू राइट माई यूट्यूब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, देखो इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। वेन राइटिंग अ टाइटल फॉर योर यूट्यूब वीडियो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक इट्स कैची एंड डिस्क्रिप्टिड सो द व्यूअर्स नो वाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वीडियो, कंसिडर इंक्लूडिंग की वर्ड्स रिलेटेड टू द वीडियोज कंटेंट एज वेल एज एनी यूनिक सेलिंग पॉइंट। Here are few tips for writing a good YouTube video title. Keep it short and sweet, as the titles too long may be truncated in search result. Use keywords, include relevant keyword that describe the content of the video. कितना अच्छा कंसाइज में लिख रहे हैं। तो गाइज इतना बढ़िया है ना, बहुत अच्छा है। आप अब तो आपको कोई ना टाइटल लिखने की जरूरत है, ना आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत है, राइट, ना आपको टैक्स लगाने की जरूरत है। आपने फटाफट वीडियो शूट करा, राइट, आपने एडिटिंग किया और सीधे आप आइए इस पर, आप यहाँ पर टैग डालिए, अपने टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और टाइटल डालने में आपके पास टैक्स भी आ जाएंगे, टैग फटाफट आ रहे हैं, आपने कॉपी किया और फटाफट अपलोड करें, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है इसी वीडियो जो ऐप है, ये जो वेबसाइट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आर्टिफिशियल चैट GPT। तो ये एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको कोई भी होमवर्क करना है स्टूडेंट के लिए, या कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, कितना भी टिपिकल आपका कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा आपको विद इन अ सेकेंड ही आपको सॉल्व कर देगा। आपको कोई कोडिंग सीखनी है, आप कोडिंग आपको नहीं आती है तो कोडिंग आपको बेस्ट कोडिंग आपको प्रोवाइड कर देगा, तो थोड़ा यही इसमें बहुत ही अच्छा है। जैसे ही यूज आएगा तो डेफिनेटली, जैसे जब आएगा फुल फ्लेज ये, तो ये धमाल मचा देगा वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि अभी जब विद इन 5 डेज ने 1 मिलियन सब्स अपने यूजर्स गेन कर लिए, तो आप कर सकते हो कितना ज़्यादा ये एक धमाल मचाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी, और आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,
राइट, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, तो जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको फर्दर देखोगे। तो गाइस चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।